नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मैं प्रियंका आप सभी के सामने फिर से लेकर के आ गई हूँ आपका मन पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी टॉप 5। भोजपुरी टॉप 5 खबरों में हम आपको बताते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की वो तमाम ऐसी खबरें जो कि आपके सुपरस्टार्स और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ी हुई होती है। और टॉप 5 प्रोग्राम में आप सबसे खास बात ये है कि आपको सारी खबरें, जो खास खबरें होती है, वो टॉप 5 में सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर आपको हम बता देते हैं सारी भोजपुरी इंडस्ट्री की डिटेल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। सबसे पहले बात करने वाले हैं हमारे जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। निरहुआ की बहुचर्चित फिल्म महाबली का टीजर रिलीज हो गया है। भाई, ये टीजर का इंतजार तो काफी समय से था और इस फिल्म की भी चर्चा काफी समय से ही हो रही है। वैसे देखा गया है और बताया, ये भी लोगों की तरफ से आई प्रतिक्रिया आई है कि ये महाबली जो फिल्म है वो काफी हटके है। कहीं ना कहीं इस फिल्म को बॉलीवुड फिल्म महाबली, माफी चाहेंगे, बाहुबली से कंपैरिजन किया जा रहा था। और देखा गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी हट कर ये फिल्म बनाई जा रही है। इसके साथ ही साथ हमारी जो दूसरी खबर है वो है भोजपुरिया राजा पवन सिंह और उनकी फिल्म हमसफर अक्षरा सिंह। जी हाँ, लास्ट ईयर पवन और अक्षरा की होली का जो गाना था बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहा था, तो वहीं इस बार भी पवन और अक्षरा एक साथ अपना होली का गाना लेकर आ रहे हैं और उस गाने का वीडियो इन दिनों मुंबई में शूट हो रहा है। इसके साथ ही साथ हमारा जो तीसरी जो खबर होगी वो है हमारे देसी हीरो खेसारी लाल यादव के बारे में। भाई, देसी हीरो खेसारी लाल हमेशा हर स्टार से आगे रहते हैं, चाहे वो होली का गाना लाना हो या फिल्म लानी हो या फिर होली गाने पर वीडियो लाना हो। सबसे पहले उन्होंने होली का गाना सबसे तीनों सुपर स्टार्स में सबसे पहले लेकर आए थे। फिल्म इस साल उनकी सबसे पहली फिल्म भी दीवानापन रिलीज हो गई और अब वो होली का नया गाना बाय वीडियो भी लेकर के आ चुके हैं, जो इन दिनों खूब ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही साथ हमारी जो तीसरी खबर है, जहां एक तरफ पवन अक्षरा अपने होली के गाने की वीडियो शूटिंग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली और निरहुआ भी इस बार गाने की शूटिंग बाय वीडियो की कर रहे हैं और ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इस शूटिंग के दौरान भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ हमारी जो पांचवी खबर है वो थोड़ी निराशाजनक खबर है। जी हाँ, भोजपुरी फिल्म में एक गाने को YouTube पर रिलीज करने के साथ ही हटा दिया गया। जिस गाने को हटाते समय जो YouTube की तरफ से जवाब आया था कि वो गाने अश्लीलता से भरे पड़े हैं और वो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता को बढ़ावा देंगे। और ये क्या है, इस खबर से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इन दिनों भोजपुरी सिनेमा घरों में और भोजपुरी सिने प्रेमियों में खूब खुशी की लहर है क्योंकि इस साल ना सिर्फ नई नई कहानियां दर्शकों को देखने को मिल रही हैं बल्कि इस बार बड़े बड़े बजट के साथ भी फिल्में रिलीज हो रही हैं। हाल ही में खेसारी की फिल्म दीवानापन रिलीज हुई जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला और अब ऐसी ही कई सारी फिल्में हैं जो रिलीज से पहले ही चर्चाओं में बनी हुई हैं। इन्हीं में से एक है निरहुआ की फिल्म महाबली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाबली अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म बताई जा रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी खेसारी की फिल्म डमरू को दर्शकों ने, इंटरनेट यूजर्स ने सबसे ज़्यादा सर्च किया है। जी हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि महाबली और खेसारी की डमरू एक साथ पर्दे पर एक दूसरे को टक्कर दे जाए और एक बार फिर से दर्शकों के दिलों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि आखिरकार हम दोनों स्टारों में से किसकी फिल्म देखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निरहुआ की फिल्म महाबली भी दर्शकों की नज़रों में खूब है क्योंकि अब तक ऐसी किसी ऐतिहासिक कहानी पर भोजपुरी में फिल्म नहीं बनी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़। भोजपुरी के सुपरस्टार और भोजपुरिया राजा पवन सिंह के इस साल पहला होली के गाना आयल रहे, जो गाना के नाम रहल
होली हिंदुस्तान के। जे होली के गाना के लाखों लोग सुन ले बा यूट्यूब पे और गाना दर्शक लोगन के काफी ज्यादा पसंद भी आयल रहे। तब वही कल पवन सिंह के साथ उनकर दोस्त अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पे लाइव आके रहनी और पवन सिंह लाइव आकर के सबसे पहले बात के जानकारी दिले रहनी के समय पर ऊ और अक्षरा सिंह अपन पहला होली के गाना के वीडियो शूट करत बाड़े। जे गाना के शूटिंग मुंबई में चला था। वैसे रोवा लोगन के बता दी कि पवन अक्षरा के पहला एक साथ होली के गाना था याद ही हुई। जे होली के गाना में पवन के साथ अक्षरा सिंह भी पहली बार गायकी कैले रहली। जी हाँ, हम बात कर रहल बानी पवन अक्षरा के गाना थर थर कापेला बदनिया। जे गाना उस साल होली के सबसे हिट गाना साबित भेल रहे और पवन अक्षरा सिंह के उम्मीद है कि ए बार भी उनकर होली के गाना दर्शक लोगन के खूब पसंद आई और एक गाना के लाखों करोड़ों व्यूज मिली सोशल मीडिया पे। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एगो ऐसन हीरो बानी जे कि अपन दर्शक लोगन खातिर कुछ भी कर सके नी। जी हाँ, और यही वजह से खेसारी लाल ए साल सबसे पहले होली के गाना अपन दर्शक लोगन खातिर लेके आयल रहनी। तब वही अब होली के गाना वीडियो में भी खेसारी लाल सबसे पहले लेकर के आ गई बानी। जी हाँ, आज हम रवा लोगन खातिर जे खबर बतावे आयल बानी वो खबर सुन के रवा लोगन भी अपन खुशी रोक ना पाए। जी हाँ, खेसारी के हर बार कोनो न कोनो फिल्म सोशल मीडिया रिलीज होके के साथ ही ट्रेंडिंग में चला था। ता वही एक के साथ खेसारी के आज होली के गाना भी यूट्यूब पर रिलीज होके के बाद यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में चला था। जे गाना के बोल बा होली में कहां चल गईली और अभी तक एक गाना के 2 दिन में 7 लाख से भी ज्यादा लोग देख ली हले बा। और एक के साथ ही रोवा लोगन के पहले के खबर में हम बतावले रहनी कि खेसारी के फिल्म दीवानापन जे कि 9 फरवरी के रिलीज भइल रहे वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हो गई। भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे ए दिन सबसे होली के गाना के शूटिंग बहुत ही मस्ती और मजाक के साथ करत दिखाई देत बानी। जी हाँ, निरहुआ के सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर भइल बा। जे वीडियो में आम्रपाली, निरहुआ और बताशा चाचा ये तीनों लोग मिल करके एक साथ होली के गाना के शूट करत बाड़े। वैसे रउआ लोगन के बता दी कि होली के त्योहार आवे में कुछ ही दिन बाकी है और यही वजह से आज के समय में पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री होली के रंग में रंग चुकल बा। वैसे रउआ लोगन के ये भी बता दी कि निरहुआ, आम्रपाली के अलावा पवन सिंह और अक्षय सिंह भी इस समय पर होली के गाना के वीडियो शूटिंग करत बाड़े। जिगा बाद के जानकारी खुद पवन और अक्षय लाइव आ करके अपन दर्शक लोगन के देले रहनी। वैसे अब तक निरहुआ और पवन के फैन के उनकर नया होली के गाना के आवे के इंतजार तो बा ही, साथ ही होली के त्योहार के भी बेसब्री से सबके इंतजार बा। बेगूसराय निर्माणधीन बहुचर्चित भोजपुरी फिल्म सैया ई रिक्शा वाला के गीत तनी चोच मारे दा के रिलीज होने के कुछ ही घंटों में यूट्यूब द्वारा गाने को रिमूव कर दिया जाने का मामला प्रकाश होकर आया है। जी हाँ, बेगूसराय के चर्चित गीतकार रमा मौसम द्वारा रचित एल्बम पंडित सुनील पाठक द्वारा संगीतवद और बॉलीवुड अभिनेता अमित कश्यप और ऋचा आर्य द्वारा गाए इस गाने पर अश्लीलता को बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। जबकि फिल्म के नायक और चर्चित बॉलीवुड अभिनेता अमित कश्यप ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ना ही इस गाने और ना ही इस फिल्म में इस तरह का कोई अस्वाभाविक दृश्य है जिससे भारतीय संस्कार एवं संस्कृति पर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, बल्कि फिल्म पूरी तरह से शराबबंदी, शिक्षा और नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रख करके बनाया गया है। ज्ञात हो कि शुक्रवार को मुंबई के मलाड़ से इस गाने को चर्चित फिल्मकार देवेंद्र खूब नानी, एक्टर विवेक नंद झा और मैथिली फिल्म के सुपरस्टार राहुल सिन्हा द्वारा जारी कर दिया गया था और कुछ ही घंटों के बाद यूट्यूब ने अश्लीलता को बढ़ाने का हवाला देते हुए गाने को रिमूव कर दिया। गाने को देश की चर्चित म्यूजिक कंपनी SR के द्वारा जारी किया गया था। ज्ञात हो कि पूर्व रूप से बेगूसराय में फिल्माई गई इस फिल्म के हीरो अमित कश्यप के अलावा भी अधिकांश पात्र इसी जिले से जुड़े हुए हैं। मुख्य कलाकारों में अमित कश्यप, खुशबू पांडे, विवेकानंद झा, अनिल पालंग, अरुण
सिड्डलाय, राकेश मंथन, पंकज गौतम, अजय आनंद, रचित गुप्त, बबलू आनंद, संजीव पहलवान, अरविंद पासवान, रजन कुमार आदि हैं। तो देखा आपने भोजपुरी की वो तमाम टॉप 5 खबरें जो कि खास खबरें होती हैं और आपके सुपरस्टार्स और उनकी फिल्मों से जुड़ी हुई होती है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री की खास खबरें हम आप तक पहुंचा पाएं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ आपको इस फिल्म से जुड़ी, आपको कोई सुपरस्टार के जीवन से जुड़ी या फिर कोई अदर जानकारी लेनी हो या फिर अपने सुपरस्टार से अपने दिल की बात कहनी हो तो वो भी आप हमारे इस प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए लिख करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। भोजपुरी के तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया और ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको हमारा चैनल और हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। आज के टॉप 5 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं कल आपके सामने फिर से लेकर के हाजिर होंगी आपके साथ टॉप 5 खबर जो कि आपके सुपरस्टार्स और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ी हुई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।